हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। बड़ा प्रेशर डालना पड़ा, कैसे कैसे हुआ, क्या कुछ कहेंगे? इसका जवाब मैं दूं क्या? जी। एक्चुअली क्या है, खेसारी जी की एक बहुत अच्छी आदत है जो मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं पहली बार इनको कहानी लेकर के गया था तो मैं बिल्कुल न्यू फिल्म मेकर था, पहला बार डायरेक्शन कर रहा था। तो एक ही चीज़ इनको आकर्षित करती है, वो है, जो मैं अपना निजी अनुभव से बोल रहा हूँ, वो है फिल्म की कहानी। एक बार इनको फिल्म की कहानी अच्छी लग जाती है तब बाकी चीज़ों के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इस फिल्म में भी वही हुआ। पहले एक दो कहानियाँ डायरेक्टर साहब ने हमें सुनाया और हमने बोला कि आप खेसारी जी को सुनाइए, उनको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल करेंगे। इन्होंने सुना, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर जैसे हमने बोला कि ये कहानी, हम लोग डिस्कस किए, बोले कि ये कहानी सुना लीजिए, और जैसे इन्होंने वो कहानी सुनाई, सुनने के साथ ही इन्होंने रेडी अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हम करेंगे कहानी। तो इनके लिए जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कहानी सबसे सर्वोपरि होता है। अगर कहानी पसंद आ गई तो बाकी चीज़ें सर। मंसूर अली जी, कैसे आपके जहन में आया कि हाँ, इस कैरेक्टर के लिए, इस किरदार के लिए खेसारी जी ही फिट बैठ रहे हैं, और जब आप ये कहानी लिख रहे थे? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.